السلام عليكم السلام ورحمة عليكم الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته. الحمد الحمد لله على لله على إحسانه إحسانه والشكر له والشكر على له على توفيقه توفيقه وامتنانه. وامتنانه. أما أما بعد، بعد، فأعوذ فأعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. ألف ألف لام لام ميم، ميم. ذلك ذلك الكتاب الكتاب لا لا ريب ريب فيه فيه هدى هدى للمتقين. للمتقين. تمام تمام قسم قسم كي كي تعريفات تعريفات توصيفات توصيفات किब्रियाई लाई बुजुर्गी बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल अल्लाह रब्बुल आलमीन के आलमीन लिए के लिए लायक उस लायक ज़िबाह उस है जो ज़िबाह है तनहा जो सारी तनहा सारी कायनात का कायनात का खालिक व खालिक मालिक व मालिक राज़िक है, राज़िक है। जो जो हर जो हर चीज़ पर चीज़ पर कादिर है, कादिर है जिसने जिसने एक एक नाकदरे नाकदरे पानी से पानी से इंसान की इंसान की पैदाइश की पैदाइश है की है और और जो जो सारी सारी कायनात कायनात पर पर कब्जा कब्जा रखने रखने वाला वाला है, है जिसने जिसने इंसान की इंसान रुश्दो की रुश्दो हिदायत के हिदायत के लिए लिए बेशुमार बेशुमार अंबिया अंबिया इकराम को इस इकराम को दुनिया इस में दुनिया में भेजा। भेजा दुरूद व दुरूद व सलाम का सलाम का नुजूल हो नुजूल हो तमाम अंबिया तमाम अंबिया इकराम पर, इकराम पर खुसूसन खुसूसन जनाब जनाब मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम पर, पर, जिन जिन अल्लाह अल्लाह ताला ताला ने ने रहमत रहमत कायनात कायनात बनाकर बनाकर इस इस दुनिया दुनिया में में भेजा भेजा और और जिनके जिनके जरिए जरिए कायनात कायनात वालों वालों की की रहनुमाई रहनुमाई और और हिदायत हिदायत का का बंदोबस्त बंदोबस्त फरमाया। फरमाया। मुअज्जज़ व मुअज्जज़ व मुकर्रम मुकर्रम हाज़रीन, हाज़रीन, आज हम आज हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपसे आपसे गुफ्तगू गुफ्तगू करेंगे, करेंगे, बात बात करेंगे करेंगे चंद चंद मिनट मिनट कुरान कुरान के के फजाइल के फजाइल के बारे में बारे में और और कुछ कुछ उसके उसके इल्म के इल्म बारे के में। बारे में। हम हम मुसलमान मुसलमान हैं हैं और और हमारा ये हमारा ये दावा है दावा है कि कि हम हम सच्चे सच्चे मुसलमान हैं, मुसलमान हैं। तो तो हमें हमें ये ये बात तो बात तो जरूर जरूर मालूम होनी मालूम होनी चाहिए चाहिए कि कि कुरान कुरान मजीद मजीद अल्लाह अल्लाह ताला की ताला की सबसे सबसे अफजल अफजल किताब किताब है, है सबसे सबसे आला आला किताब है। किताब है। जितनी भी जितनी भी किताबें किताबें अल्लाह अल्लाह तबारक व तबारक व ताला ताला ने ने नाजिल की नाजिल हैं, उनमें की उनमें सबसे सबसे अफजल अफजल किताब किताब कुरान कुरान मजीद मजीद है, है जिस पर जिस पर अमल अमल करना करना हमारी हमारी कामयाबी कामयाबी के के लिए लिए जरूरी है। जरूरी है। अल्लाह अल्लाह तबारक व तबारक व ताला ने ताला ने कुरान कुरान मजीद मजीद एक एक ऐसे ऐसे वक्त में वक्त में नाजिल नाजिल किया किया जबकि जबकि सारी सारी दुनिया दुनिया में में जिहालत जिहालत छाई छाई हुई हुई थी, थी सारी सारी दुनिया दुनिया में में कुफ्र कुफ्र फैला फैला हुआ हुआ था था और और जरा 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 सी जरा सी बातों बातों में में सालों सालों साल साल लड़ाई लड़ाई जारी जारी रहती रहती थी। थी। ऐसे ऐसे वक्त वक्त में, में ऐसे ऐसे जमाने जमाने में, में जबकि जबकि उस उस वक्त वक्त लड़कियों को लड़कियों को जिंदा जिंदा दफनाना दफनाना उनकी उनकी कौमी कौमी इज्जत का इज्जत का तकाजा तकाजा था। था। हर हर किस्म की किस्म की बुराइयां बुराइयां उनके उनके अंदर अंदर मौजूद मौजूद थी, थी। दुनिया के दुनिया के अंदर अंदर कोई कोई गुना गुना ऐसा ऐसा नहीं नहीं था था जो उनके जो उनके अंदर अंदर ना ना पाया पाया जाता जाता हो। हो। ऐसे ऐसे जमाने जमाने में में अल्लाह अल्लाह तबारक तबारक व व ताला ताला ने ने एक एक ऐसी ऐसी ही ही बस्ती बस्ती से से जनाब जनाब मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम को को नबी नबी बनाया। बनाया। आप आप सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम के के इस इस दुनिया दुनिया में में आने के आने के बाद, बाद, आप आप सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम के के इस इस दुनिया दुनिया में में नबी नबी बनाए बनाए जाने जाने के के बाद बाद इस इस दुनिया दुनिया के के अंदर अंदर एक एक नई नई तब्दीली तब्दीली आई, आई, इस इस दुनिया दुनिया के के अंदर अंदर इंकलाब इंकलाब आया। आया। अल्लाह अल्लाह तबारक व तबारक ताला व ने ताला ने उस उस मक्का मक्का की की सरजमीन सरजमीन से से जनाब जनाब मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम को को नबी नबी बनाया, बनाया, आपको आपको चुना। चुना। आज हम आज कुरान हम कुरान मजीद मजीद पढ़ते पढ़ते हैं, हैं, लेकिन लेकिन कुरान कुरान मजीद मजीद हम हम वैसा वैसा नहीं नहीं पढ़ते पढ़ते हैं हैं जिस जिस तरह तरह साहबे साहबे किराम किराम पढ़ते पढ़ते थे थे कि कि जब जब वो वो कुरान कुरान मजीद मजीद की की तिलावत तिलावत करते, करते, कुरान कुरान मजीद मजीद को को पढ़ा पढ़ा करते करते थे, थे, उनके उनके दिल दिल लरस लरस जाते जाते थे, थे, उनके उनके दिल दिल तड़प तड़प जाते जाते थे, थे, उनके उनके जिस्म जिस्म दहल दहल जाते जाते थे थे, और वो और वो और और ज्यादा अल्लाह ज्यादा अल्लाह तबारक व तबारक ताला की वताला की तरफ तरफ माइल माइल होते थे होते थे और और ज्यादा ज्यादा अल्लाह अल्लाह तबारक तबारक व व ताला ताला को को राजी राजी करने करने की की वो वो लोग लोग कोशिश कोशिश किया किया करते करते थे, थे, अल्लाह अल्लाह को को खुश खुश करने करने की की वो वो लोग लोग कोशिश कोशिश किया किया करते करते थे। थे। हजरत हजरत अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन बिन मसूद मसूद रज़ियल्लाहु रज़ियल्लाहु ताला ताला अन्हु अन्हु जो जो बचपन बचपन में में ही ही ईमान ईमान ले ले आए, आए, कम कम उम्र उम्र में में ईमान ईमान लाए, लाए, ईमान ईमान लाने लाने के के बाद बाद नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु के अलैहि साथ वसल्लम वो के साथ हमेशा वो लगे हमेशा रहते लगे थे। रहते थे। आप आप सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम अगर अगर मक्का मक्का में में हैं हैं उस उस वक्त वक्त भी, भी आपके आपके साथ साथ रहते, रहते, आप आप सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम किसी किसी सफर सफर में में हैं हैं तो तो हजरत हजरत अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन बिन मसूद मसूद रज़ियल्लाहु रज़ियल्लाहु ताला ताला अन्हु अन्हु आपके आपके साथ साथ रहते रहते थे थे और और कुरान कुरान मजीद मजीद सीखने सीखने में में बड़ी बड़ी दिलचस्पी दिलचस्पी लेते लेते थे, थे, बड़ी बड़ी गहरी गहरी दिलचस्पी दिलचस्पी उन्हें उन्हें थी, थी, क्योंकि क्योंकि सबसे सबसे अफजल अफजल इल्म इल्म कुरान कुरान मजीद मजीद का का इल्म इल्म है। है। असल असल इल्म इल्म वही वही है है जिसके जिसके जरिए जरिए इंसान इंसान अल्लाह अल्लाह तबारक तबारक व व ताला ताला को को जान जान सके, सके, असल असल इल्म इल्म वही वही है है जिसके जिसके जरिए जरिए इंसान इंसान के के अंदर अंदर किताब किताब व व हिकमत हिकमत की की तालीम तालीम आ आ जाए, जाए, इंसान इंसान अल्लाह अल्लाह को को जान जान ले ले कि कि मेरा मेरा जो जो खालिक खालिक है है मेरा मेरा मालिक मालिक कौन कौन है, है, मुझे मुझे इस इस दुनिया दुनिया में में लाने लाने वाला वाला कौन कौन है, है, और और जिस जिस नबी नबी को को मैं मैं मानता मानता हूं हूं उस उस नबी नबी की की
अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला ने खुद फरमाया करते थे, मुझे कुरान मजीद की हर आयत के बारे में मालूम है कि वो कहाँ नाजिल हुई है, उसका शान नुज़ूल क्या है। जब मुझे मालूम होता कि फला शख्स तो कुरान मजीद के बारे में मुझसे ज्यादा मालूम रखता है, उसके पास तो मुझसे ज्यादा इल्म है, मैं उसके पास जाता और उससे इल्म हासिल करता, उस आयत का इल्म हासिल करता जो आयत का इल्म उसके पास था। इसीलिए आज मुझे कुरान मजीद की हर आयत के बारे में, हर हुक्म के बारे में ये मालूम है कि वो कहाँ नाजिल हुई है। इससे हमें इल्म की अहमियत मालूम होती है। हजरत इकरमा रजी अल्लाह तआला जब से ईमान लाए, ईमान लाने के बाद हमेशा वो कुरान मजीद की तिलावत करा करते, कुरान मजीद को पढ़ा करते थे, और कुरान मजीद पढ़ने के बाद उनके अंदर इस कदर अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा हो जाता था, वो कुरान मजीद को अपने सीने पर लगा लेते और कहते, मेरे रब की किताब, मेरे रब का कलाम, और खुशियत इलाही से रोने लगते। हजरत उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी दिल सोज आवाज में कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे कि सहाबे किराम जब हजरत उकबा बिन आमिर की क़िरात को सुना करते थे, उनके अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता था, उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी। एक मरतबा जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उकबा बिन आमिर से गुजारिश की, उकबा कुरान मजीद सुनाइए, आप जो कुरान पढ़ते हैं आपकी क़िरात हमें सुनाइए। जब हजरत उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला ने कुरान मजीद की तिलावत को शुरू की, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने इस कदर रोए कि दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो गई। ये कौन लोग हैं? ये नबी अलैहिस्सलाम के सबसे करीबी हैं, ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला राजी हो गया है, और ये लोग अल्लाह तबारक व तआला से राजी हो गए हैं। लेकिन जब उनके सामने अल्लाह का हुक्म आता, कुरान मजीद की कोई आयत उनके सामने पढ़ी जाती, उनके दिल नरस जाते थे। हजरत उकबा बिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े नरम दिल इंसान थे, बड़े रकीकुल क़ल्ब इंसान थे। जब कुरान मजीद की तिलावत आप करते, मुसलसल आंसू बहाते थे, मुसलसल आंसू बहाते। कुरान मजीद पढ़ने में इतनी तासीर हुआ करती थी, इतनी मिठास हुआ करती थी, इतनी खशियत हुआ करती थी कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला कुरान मजीद की तिलावत करते, मुशरिकीन मक्का के बच्चे, औरतें और बूढ़े जमा हो जाते और आप तिलावत सुना करते थे। ये सहाबा किराम थे, जब कुरान मजीद का कोई हुक्म उनके सामने आता, कुरान मजीद की तिलावत कोई उनके सामने करता, या वो खुद कुरान मजीद की तिलावत करते, उनके दिल लरस जाते थे, उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा हो जाता था, खशियत और ज्यादा हो जाती थी। लेकिन आज हमारे अंदर कुरान मजीद की तिलावत को सुनकर वो डर क्यों नहीं पैदा होता है? आज हम हमारे दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त नजर आते हैं। आज हम कुरान मजीद की तिलावत तो करते हैं, मगर जो अल्लाह ने उसमें हुक्म दिया उस पर हम अमल नहीं करते। आज हम कुरान मजीद की तिलावत तो करते हैं, मगर जिस हद पर अल्लाह ने रुकने का हुक्म दिया है, हम उस पर रुकते नहीं हैं, हम उस हद को तजावुज कर लेते हैं, बढ़ जाते हैं। आज हम कुरान मजीद की तिलावत तो करते हैं, कुरान मजीद में आज हम मुख्तलिफ कौमों के किस्से पढ़ते हैं, लेकिन उसे इबरत हासिल नहीं करते हैं। याद रखिए, दुनिया में इज्जत चाहिए, और मरने के बाद अगर नेमतों भरी जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं, कुरान मजीद को दिल से लगाइए, कुरान मजीद के अहकामात पर अमल कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़ु बिहादल किताब अक़वामन व यदउ बिहि आख़रीन। अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के जरिए बहुत से लोगों को इज्जत से नवाजता है, इज्जत से नवाजता है, बुलंदियों पर सरफराज फरमाता है। लेकिन जो लोग अपनी मनमानी करना चाहते हैं, जो लोग इस कुरान मजीद के अहकामात पर अमल नहीं करते हैं, जो लोग सालों साल कुरान मजीद को छू कर नहीं देखते हैं, जो लोग सालों साल कुरान मजीद की तरफ रुख भी नहीं करते हैं, कुरान मजीद के किसी भी हुक्म को मानते नहीं है, ऐसे लोगों को अल्लाह जलील भी करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज्जत चाहिए ना दुनिया में, अगर इज्जत से जीना चाहते हैं ना, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, कुरान मजीद के मुताबिक अपनी अमली जिंदगी गुजारिए, दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला आपको इज्जत से नवाजेगा। अगर आप मनमानी करना चाहेंगे, कुरान से एराज करेंगे, कुरान से मुंह मोड़ेंगे, अल्लाह का वादा है, अल्लाह तकलीफ दे जिंदगी से नवाजेगा, अल्लाह तुम्हें तकलीफ दे जिंदगी नसीब करेगा। आज हम शिकायत करते हैं औलाद के नाफरमान होने की। आज हम शिकायत करते हैं कि मौलवी साहब हमारी औलाद बहुत नाफरमान है, वो हमारा हक भी नहीं मानती। मौलवी साहब हमारी जिंदगी बहुत तंगी में गुजर रही है, हमारी जिंदगी बहुत परेशानी में गुजर रही है। मौलवी साहब हमारे घर में दिन रात लड़ाई होती रहती है, औलाद वालिदैन का हक नहीं मानती, वालिदैन औलाद पर ज्यादा सख्तियां करते नजर आते हैं,
या मौलवी साहब हम ऐसे मुकदमे में फंस गए हैं कि उससे निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका हल कुरान मजीद में बता दिया है। जो भी इंसान कुरान मजीद से एराज करेगा, कुरान मजीद से मुंह मोड़ेगा, कुरान हदीस के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेगा ना, तकलीफ की जिंदगी यकीनन है। अगर आप इज्जत से जीना चाहते हैं, कुरान को अपने दिल से लगाइए, कुरान का इल्म हासिल कीजिए। कुरान मजीद में जिन अहकामात को बयान किया गया है, नबी अलैहिस्सलाम ने जो अमल करके दिखाया उस पर अमल करेंगे ना, जो मसाइल हमारे सामने हैं सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। जरूरत क्या है? कुरान पर अमल करने की जरूरत है, कुरान का इल्म हासिल करने की। याद रखिए, जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल किया, सबसे पहले हुक्म क्या दिया गारे हिरा में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत गारे हिरा में किया करते थे। उस वक्त जब जिब्रील अलैहि सलाम आए और अल्लाह तबारक व तआला का सबसे पहला पैगाम जो दिया वो क्या था? इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक। आए मेरे नबी, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया है। कैसे पैदा किया है? इंसान की पैदाइश के मुख्तलिफ मराहिल अल्लाह तबारक व तआला ने वहां बयान फरमा दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला वो है जिसने इंसान को वो इल्म सिखाया है जिसका इल्म उसको नहीं था। वो बातें सिखाई हैं जिन बातों को वो नहीं जानता था। इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, खलक الانسان من علق। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म का हुक्म दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह की मारिफत का हुक्म दिया कि सबसे पहले आप ये जान तो लें कि तुम्हें पैदा करने वाला कौन है। असल इल्म वही है जो मैंने बताया कि कुरान का इल्म, असल इल्म जो कुरान में बताया गया है अल्लाह की मारिफत है। इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, सबसे पहले अपने उस रब को जान लें जिसने आपको पैदा किया है, जो आपका खालिक है, जो आपका मालिक है, जिसने 40-40 दिन में तीन मराहिल के अंदर इंसान की पैदाइश की है, उस अल्लाह को जान लें। अल्लाह तबारक व तआला हमसे यही चाहता है। याद रखिए, इल्म की इज्जत कीजिए, इल्म हासिल कीजिए, और जो लोग इल्म हासिल करते हैं, कुरान का इल्म हासिल करते हैं, अहादीस का इल्म हासिल करते हैं, उनकी इज्जत करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जिसने उलमाए किराम की तौहीन की, उलमाए किराम को जलील किया, उलमाए किराम को नीचा दिखाने की कोशिश की है, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक फरमाते हैं उसकी आखिरत बर्बाद हो गई। इल्म की इज्जत कीजिए, कुरान की इज्जत कीजिए, अहादीस की इज्जत कीजिए, और जो लोग कुरान का इल्म हासिल करते हैं, अहादीस का इल्म हासिल करते हैं, उन लोगों की इज्जत करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज लोग उलमाए किराम के बारे में बगैर सोचे समझे अपनी जुबान को खोलते हैं, अपनी जुबान को गलत इस्तेमाल करते हैं। लोग क्या कहते हैं? उलमाए किराम के अंदर अल्लाह का डर नहीं पाया जाता है, उलमा तो अल्लाह से डरते ही नहीं है। मुआशरे में ये बात बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। क्या कहते हैं लोग कि जो लोग जाहिल हैं वो लोग कहते हैं आपस में कि वो तो इतना बड़ा आलिम है, उसके अंदर तो अल्लाह का डर ही नहीं पाया जाता, उससे अच्छा तो एक जाहिल है। ये आम जुबान जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो मैंने इस्तेमाल किया, जो मुआशरे में लोग इस्तेमाल करते हैं कि उससे अच्छा तो एक जाहिल है जो इसके अंदर अल्लाह का डर होता है, बहुत गलत बात है। अल्लाह का डर हकीकी माने में उसके अंदर पाया जाता है जो हकीकी आलिम है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले हकीकत में वही हैं जिनके अंदर इल्म होता है, जो अल्लाह तबारक व तआला को जानते हैं। याद रखिए, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, अल्लाह ने फरमाया क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जिस तरह रोशनी और अंधेरे बराबर नहीं हो सकते हैं, इसी तरह जानने वाले का एक अलग मर्तबा है। जो अल्लाह के बारे में ज्यादा इल्म रखता है, जिसके पास ज्यादा इल्म है वो अल्लाह तबारक व तआला को ज्यादा जानेगा, जिसके पास इल्म है वो कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, उसके अंदर अल्लाह का डर ज्यादा पाया जाता है। तो आज से यह गलतफहमी दूर कर लीजिए कि जो लोग आलिम है उनके अंदर डर नहीं पाया जाता। याद रखिए, हकीकत में हकीकी आलिम वही होता है जिसके अंदर अल्लाह का ज्यादा डर पाया जाता है। और याद रखिए, लोग ये चाहते हैं ना, लोग यही चाहते हैं कि उलमा सही को सही और गलत को गलत कहना छोड़कर ये भी सही वो भी सही। लोग उलमाए किराम से मुख्तलिफ मसाइल पूछते हैं और चाहते हैं कि जो मसला वो पूछ रहे हैं उनके हक में फैसला हो।
लोग कहते हैं कि मौलाना सिर्फ हमारे बारे में बोलें, हमारे मामले का हल बताएं, और जहां हम हैं, जो हमारा केस है, बस सिर्फ हमारी तरफ मौलाना हो जाए, सही को सही और गलत को गलत ना कहे। याद रखिए उलमा इकराम, असल उलमा वही हैं, असल आलिम वही है जो हक को हक बोले, जो सही को सही बोले और गलत को गलत बोले। और यही उलमा इकराम जो हकीकी आलिम हैं, वही लोग ये काम करते हैं। याद रखिए हसन बसरी रहमतुल्लाह का बहुत ही अच्छा कौल है। हसन बसरी रहमतुल्लाह बहुत बड़े ताबई है, बहुत बड़े इमाम थे, बहुत बड़े आलिम थे, जिनको सुनने के लिए लाखों का मजमा हाजिर होता था। लाखों के मजमे में वो बयान किया करते थे, लेकिन उनके अंदर माँ का कितना अदब था। एक बात याद आ गई, हसन बसरी रहमतुल्लाह उनके अंदर माँ का कितना अदब था। जब वो बयान करते हैं, तकरीर करते हैं, तो लाखों लोग उनको सुना करते थे, उनके सामने वो बयान करते हैं, तमाम लोग तक उनकी आवाज पहुंच जाती है। लेकिन जब अपने घर आते हैं, अपनी माँ से इतनी आहिस्ता आवाज में बात करते हैं कि माँ को बार बार पूछना पड़ता है, बेटा तुम क्या बोल रहे हो, तुम कैसी बात कर रहे हो, कितनी आहिस्ता बात कर रहे हो। लोगों ने पूछा तो फरमाया माँ का यही मकाम है, माँ का यही मर्तबा है। वो हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं الفتنه اذا اقبلت رفعها كل عالم। फितना, कोई भी फितना हो, जब सर उठाता है, कोई भी फितना, जब नया नया फितना आता है, हर आलिम उसे पहचान लेता है कि ये फितना है। واذا اقبلت رفعها كل جاهل, जब वो फितना चला जाता है, तब जाहिल को पता चलता है कि ये फितना था। हम कैसे तैराक रहे हैं, जाकर पूछो साहिल वालों से, खुद तो डूब गए लेकिन रुख मोड़ दिया तूफानों का। उलमाए किराम की इज्जत कीजिए, उलमाए किराम के मकाम को जानिए, इल्म हासिल कीजिए, कुरान और हदीस का इल्म हासिल कीजिए। जो लोग कुरान और हदीस के आलिम हैं, उनकी इज्जत कीजिए, उसमें हमारे लिए भलाई है, उसी में हमारे लिए दुनिया में भी इज्जत है। और याद रखिए, अगर हम इज्जत से जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं, अल्लाह ने फरमाया फमन इत्तबा हुदाया फला यदिल्लु वला यशका, जो भी मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो ना गुमराह होगा ना ही बदबख्ती में मुब्तला होगा। वो लोग जो परेशान हैं, गमजदा हैं रिज़्क को लेकर, या जिन्हें सुकून नहीं नसीब होता है, बीमारी से परेशान हैं, गमजदा हैं, उनके लिए जरूरी है। कुरान हमें बताता है, कुरान ऐलान करता है, फ़ाइनत ज़बूर, लोगों मुझसे मुंह मोड़ कर कहां जाते हो, मुझसे अगर मुंह मोड़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, अगर कुरान के खिलाफ जाओगे, कुरान पर अमल नहीं करोगे, गुमराह हो जाओगे, भड़कती हुई जहन्नम में अल्लाह तबारक व तआला दाखिल करेगा। लेकिन अगर कुरान पर अमल करेंगे, कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें नेमतों भरी जन्नत में दाखिल करेगा। याद रखें, इल्म हासिल कीजिए, इल्म का बहुत बड़ा मकाम है। हकीकत में अल्लाह से डरने वाले वही होते हैं जिनके अंदर ज्यादा इल्म पाया जाता है। कुरान सिफारिशी बनकर आएगा, सिफात करेगा हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह तबारक व तआला इसने कुरान पढ़ा, इसने कुरान पर अमल किया, अल्लाह तबारक व तआला उसकी सिफारिश को कबूल करेंगे। लेकिन अगर हम कुरान के खिलाफ जाएंगे, कुरान पर अमल नहीं करेंगे, तो सबसे पहली सजा तो अल्लाह तबारक व तआला ये देगा कि खुद हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खिलाफ गवाही देंगे। क्या कहेंगे, वकाल रसूल या रब्बी इन कौम इत्तखदु हादल कुरान महजूरा, अल्लाह के नबी फरमाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, रसूल ये कहेगा, ऐ मेरे रब, मेरे कौम ने कुरान मजीद को छोड़ दिया था, कुरान मजीद पर अमल नहीं किया था। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल कुरान हुज्जतुन लका व अलैक, कुरान या तो तुम्हारे हक में गवाही देगा या तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। अगर हम कुरान पढ़ेंगे, कुरान पर अमल करेंगे, कुरान हमारे हक में गवाही देगा। लेकिन अगर हम कुरान को छोड़कर, कुरान और हदीस को छोड़कर, ठुकराकर मनमानी करना चाहेंगे, अपनी मनमानी जिंदगी गुजारना चाहेंगे, रब शाही को नहीं मानेंगे, ख्वाहिशात के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह ताला हमें जलील करेगा और भड़कती हुई जहन्नम में दाखिल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म नाफे हासिल करने की तौफीक अदा फरमाए, अल्लाह हमें कुरान मजीद ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की तौफीक अदा फरमाए, कुरान समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अदा फरमाए, कुरान का पैगाम तमाम लोगों तक पहुंचाने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अदा फरमाए। आमीन। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।